एक के बाद एक विचार आना ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक के बाद एक विचार क्यों आता है और उससे हमें किस तरीके की परेशानी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन से वो विचार हैं जो हमें बार बार आते हैं और उनके द्वारा हमारे लिए परेशानी होती है। तो नॉर्मल क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से बदल बदल कर विचार आते रहते हैं। कभी लाइफ से रिलेटेड, कभी खुद से रिलेटेड, कभी परिवार से रिलेटेड, कभी बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जो भी थॉट्स उनको आते हैं वो उनके लिए परेशानी का विषय बने रहते हैं और उनसे वो पूरी तरह से परेशान रहते हैं। अब उनको इस थॉट से किस तरीके से बचना होगा, इनसे किस तरीके से बाहर निकलना होगा, इनसे बचने के क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विचारों के लिए वैसे तो इसका सबसे पहले तो इसका जांच करना ज़रूरी है कि विचार आपको कौन से आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं। उसके बाद में पता चलता है कि हाँ ठीक है, अगर आपको इस तरीके का कोई भी विचार आ रहा है, परंतु इसमें यह जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि विचार आपको परेशान कौन सा कर रहा है। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्या इस्तेमाल करना होगा। नॉर्मल इसके अंदर हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है शून्य थॉट। शून्य थॉट के ऊपर मेरा पहले भी एक वीडियो आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर इसकी तीन स्टेजेस बताई गई हैं और इस वीडियो में एक पहली स्टेज के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पहली स्टेज में क्या होता है कि आपको जो भी विचार आ रहा है उस विचार की चेन को ब्रेक करना होता है और यही हम शून्य थॉट के अंदर आपको सिखाते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि आपको जैसे ही कोई विचार आ रहा है, बैठ जाना है, लंबी गहरी सांस भरनी है और उसके बाद में किसी भी विचार के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जैसे विचार आपको आता जाएगा वैसे जाता रहेगा, एक, दो, तीन, चार, ऐसे आपको विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि उन विचारों का आपके ऊपर किसी तरीके का कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ सकता। तो शून्य थॉट को अगर आप अपने शेड्यूल में शामिल करते हो और दिन में तीन बार शून्य थॉट करते हो, तो आपका जो ओवरथिंकिंग है, आपको जो जिस विचार की वजह से परेशानी हो रही है, उस विचार की चेन में ब्रेक लग जाएगा और इसमें आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो आज के इस छोटे से वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि अपने लाइफस्टाइल में शून्य थॉट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसका जो पहला लेवल है वह आपके OCD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में पनपने वाले विचारों की चेन को ब्रेक कर सकता है और आपको एक पॉजिटिव माइंड दे सकता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में आपका अच्छे से मदद किया है और इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपका नॉलेज को बढ़ाया है, तो इस चीज़ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अगर इसमें आपको किसी तरीके की और हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद।